मित्रों, एआई जो है इस वक्त वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है और होगी भी क्यों नहीं। 2020 के आंकड़े के हिसाब से $36 बिलियन की फंडिंग मिल चुकी है अभी तक एआई स्टार्टअप्स को। और एआई एकमात्र ऐसी चीज है जो हर इंडस्ट्री में हर किसी के लिए और हर तरीके से काम आ सकती है। लेकिन एक बात आती है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर हम अपना एआई स्टार्टअप को लॉन्च करें, कुछ आइडियाज हमें मिल जाए, लेकिन हम एआई को बनाए कैसे, एआई बिल्ड कैसे करें, इन सब बातों के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा दो। बिजनेस, मार्केट, केस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल के ऊपर। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ टॉप इंडस्ट्रीज के जहाँ पर एआई बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज को मिला के मैं अगर आइडियाज बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन 3 आइडियाज मैं जरूर दूंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो एआई ड्रिवन स्मार्ट होम मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टार्टअप्स, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, ई लर्निंग, एआई कंट्रोल्ड हेल्थ केयर, एआई पावर्ड रिटेल स्टार्टअप्स, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर बहुत तेजी से AI और ML का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेनली हमारे आइडियाज भी इसी से रिलेटेड होंगे। बढ़ते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो, और मैं दुआ करता हूँ कभी ना जाओ, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके के एक्सपेंसेस वहाँ पर लग जाते हैं जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों में भी आ जाते हैं, जिसके बारे में आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा, वो भी बिल में ऐड होता है। दवाइयाँ, रूम रेंट, डॉक्टर फीस, ये सब अनहिडन चार्जेस होते हैं, लेकिन हिडन चार्जेस की कोई बात नहीं करता। और जब आपको पता चलता है कि 2 दिन में ही 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, तब समझ में आता है कि कितने ज्यादा चार्जेस लेते हैं एक मरीज को ठीक करने के लिए। इवन उससे भी ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है उस पेशेंट को जिसको इतनी जरूरत होती भी नहीं है। तो आप एआई की मदद से उस पेशेंट की हेल्थ के हिसाब से उसे क्या प्रेफरेबल होगा, कौन सा एक्सपेंस उस पे सबसे ज्यादा असर करेगा, वही अगर करें तो उसका रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। और यही काम सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी अकासा भी करती थी, जहां पर वो ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के द्वारा जो हेल्थ रिकॉर्ड्स लिए जाते थे पेशेंट के इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, उसे एनालाइज करती थी और बताती थी कि कितना ज्यादा और खर्चा आपको करना पड़ सकता है आपके पेशेंट के ऊपर और किस तरीके का खर्चा करना सही रहेगा, जिससे वर्कलोड जो था हेल्थ केयर टीम का वो रिड्यूस होता था और पेशेंट को एक सपोर्ट मिलता था, क्योंकि उसको एक एक्यूरेट बिलिंग और लेस कंफ्यूजिंग वर्कफ्लो के रास्ते से निकाला जाता था। जो अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें तो ये वर्कफ्लो भले ही एक्यूरेट हो, लेकिन कंफ्यूजिंग जरूर होता है। और मैंने अपनी इंडस्ट्री में बताया था आपको कि ऑटोमेटेड हेल्थ केयर और कंट्रोल्ड हेल्थ केयर एआई ड्रिवन में सबसे तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इवन सिर्फ एक मेरे पास थॉट आया था कि क्या हो कि अगर हम एआई की मदद से पता लगा लें कि हमारे शरीर के अंदर हो क्या रहा है आखिर, जो कि स्मार्ट वॉचेस और आपको अप्लायंसेस से देखने को मिल जाती है, तो उस हिसाब से वो चीजें ई कॉमर्स में ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर सके। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है या बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, SpO2 में आपका गिरावट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ही वो मेडिसिन जो है वो परचेज कर ली जाएगी फार्मेसी, अपोलो 24, इन साइट्स के द्वारा। ये सिर्फ एक एआई प्लगइन की तरह काम करता है। बढ़ता हूं मैं अपने टॉप 2 की तरफ, AI HR। शायद आप मेरे बताने से पहले ही समझ गए होंगे, एक ऐसा AI जहां पर HR की जरूरत ना पड़े कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। AI जो है अपने आप कैंडिडेट की अपॉर्चुनिटीज को एग्जामिन करके उसके हिसाब से स्किल लेवल सेट करके उसी के हिसाब की जॉब दे सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। पाइमेट्रिक्स न्यूयॉर्क बेस्ड एक स्टार्टअप है जो कि क्राफ्ट असेसमेंट तैयार करता था डिटरमाइन करने के लिए कि कैंडिडेट कौन सी जॉब के लिए सबसे सुटेबल होगा AI की मदद से। अगर कैंडिडेट जो था वो जॉब से मैच नहीं करता था जो उसने अप्लाई किए, तो पाइमेट्रिक्स जो था वो रिडायरेक्ट कर देता था उसे किसी दूसरे रोल के ऊपर जो उसकी स्किल सेट से मैच करता था। और सच बताऊं इसकी बहुत जरूरत है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ती जा रही है और रिजिग्नेशन जो है वो अब डेली लाइफ का पार्ट बनने वाला है। रिक्रूटमेंट एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 86% एम्प्लॉयज जो है इंडिया में आने वाले 6 महीनों में रिजाइन करेंगे, तो इससे बेटर यही है कि उनको वो दिया जाए जो वो चाहते हैं, जो उसके लिए वो बने हैं, वो है स्किल सेट का सही इस्तेमाल, जो कभी कभी HR मिस आउट कर देता है लेकिन AI नहीं करेगा। बढ़ते हैं हम अपने टॉप 1 की तरफ, और टॉप 1 जो है वो हमारी बिजनेस और मार्केटिंग के रिलेटेड ही आता है, जहाँ पर आप मार्केटिंग और सेल्स टीम के जो टाइम और मनी है उसे बचा सकते हैं, ऑफ कोर्स AI की मदद से। कॉन्वर्जेशन कितनी इम्पोर्टेंट है वो मैंने अपनी आई बटन वाली वीडियो पे बताया है, लेकिन AI कॉन्वर्जेशन अब कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस जेन जी के जमाने में, जहाँ पर अगर आपने अपने कस्टमर से कॉन्वर्जेट नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं कर पाए, तो वो आपका एक बड़ा लॉस माना जाएगा, क्योंकि आजकल के जमाने में मनी नहीं डेटा बेचा जाता है। क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप बना सकता था, लेकिन उसने खरीदा क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के पास डेटा था। तो ये जो AI की मदद से अब कॉन्वर्जेशन होती है, इंटरेक्शन होता है अपने कस्टमर के साथ, जिससे वो कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स पे आजकल आपको पॉपअप मिलता है और वहाँ पर लिखकर रखता है हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो एक AI चैटबॉट है जहाँ पर आप बिना कॉल वॉल्यूम के या डिमांड बता के कस्टमर को परेशान नहीं करेंगे, वो अपने आप ही वो सवाल उससे पूछ लिया करता है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और एनर्जी भी
बचेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि एआई को बिल्ड कैसे करें हम, उसके स्टेप्स बड़े ही आसान है। जितने भी मैंने आपको स्टार्टअप बताया उसमें प्रॉब्लम थी इसलिए वो स्टार्टअप बने, और एआई में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, क्या ये आउटकम जो है वो मेरे हिसाब से आएगा या आया है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, जिसके बिना पर आप एक डेटा तैयार करते हैं। और इन तीनों ही स्टार्टअप्स में डेटा कलेक्शन हो रहा है। पहले वाले में पेशेंट की हेल्थ का डेटा लेते हैं, दूसरे में एम्प्लॉयज का डेटा, उनकी स्किल सेट का डेटा, और तीसरे में वो कमेंट करके बताना। और मजे की बात यह है, जब डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स आप सीखते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में पहले बताया जाता है, ना कि आंसर्स के बारे में। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन, कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको एक सही डेटा उसी हिसाब से मिलेगा। अब डेटा दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। उनके बिना पे आप एक एल्गोरिदम बनाते हैं, जो कि हमारा तीसरा स्टेप है। अब एल्गोरिदम भी दो तरीके के होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एक बार जब आपने एल्गोरिदम को बना देते हैं, आप उसको ट्रेन करते हैं, जो हमारा चौथे स्टेप में आता है। ट्रेनिंग के बाद आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है अपने एल्गोरिदम के साथ, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है एआई के जरिए। आप C++, जावा, आर और पाइथन का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। और अंत में आपको एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म जैसे मशीन लर्निंग, एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर मशीन लर्निंग, गूगल क्लाउड प्रेडिक्शन API, टेंसर फ्लो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लेफ्ट वाली वीडियो में हमारे कुछ टॉप इनोवेटिव फ्यूचरिस्टिक आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे, और राइट वाली वीडियो में हमारी प्रीवियस आइडियाज वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।